13 से 19 साल की लड़कियों की चाहतें, 13 से 19 साल की लड़कियों की हसरतें, 13 से 19 साल की लड़कियों की चॉइस, वो इतनी हटकर और बढ़कर है कि वहां तक लड़के पहुंच ही नहीं सकते। ये लाइन सुनने के बाद आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो बता दें, आज की वीडियो में हम आपको लड़कियों की कुछ ऐसी गंदी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने भी बात नहीं की। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वो लड़कियों की गंदी आदतें, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नंबर वन, फ्लर्ट करती है। लड़कियां जो होती हैं ये लड़कों से हर काम में आगे होती हैं, और फ्लर्ट करने में तो पूछो ही मत। और ये जो 13 से 19 साल की लड़कियां हैं ना, ये तो फ्लर्ट करने में इतनी आगे पहुंच चुकी हैं कि उसकी बात हम सिर्फ वीडियो में ही कर सकते हैं। ये लड़कियां देखती किसी को हैं, सेट किसी और से होती हैं, और उसके आगे का काम किसी और के साथ कर लेती हैं। तो ये जो 13 से 19 साल की लड़कियों की एज होती है ना, ये ऐसी ही होती है। इसमें पप्पा की परी उड़ जाती है या उड़ा देती है, मतलब सेट होकर किसी के साथ उड़ जाएगी, या तो फिर किसी लड़के को बार बार देखकर उसकी रातों की नींदों को उड़ा देगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, कोई छोटी लड़की आपको बार बार देख रही है, आपसे बार बार नजरें मिला रही है, तो समझ लो वो बड़ी हो गई है और वो उड़ने वाली है। अब ऐसे में आपके मन में ये आ रहा होगा कि वो आपके साथ उड़ेगी या फिर किसी और के साथ। तो आपको बताना चाहूंगा कि वो कब किसके साथ उड़ जाएगी वो उसे भी नहीं पता। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? उसे जो अच्छा दिख जाएगा वो उसके साथ उड़ जाएगी। हालांकि वो आपको भी देखेगी, आपके दोस्त को भी देखेगी, और लड़कों से फ्लर्ट पूरा करेगी, लेकिन एंड में वो ऐसा रायता फैला जाएगी कि उसको साफ करना मुश्किल हो जाएगा। यही तो 13 से 19 साल की लड़कियों की सबसे गंदी आदत है। दूसरी जो इन लड़कियों की सबसे गंदी आदत होती है वो होती है ट्रस्ट तोड़ना। ये लड़कियां ट्रस्ट बहुत तोड़ती हैं। आप जिस लड़की पर ज्यादा भरोसा करोगे वो आपका उतना ही ट्रस्ट तोड़ेगी। आप सोचोगे नहीं यार ये लड़की अच्छी है, सच में अच्छी है, लेकिन वो ऐसा कुछ ना कुछ कर्म कांड जरूर कर जाएगी जिससे आप बोलोगे यार सच में भाई वो लव गपशप वाला बंदा ना सही बोल रहा था, उस दिन मुझे लग रहा था कि यार वो क्या बक रहा है, लेकिन नहीं भाई वो उस दिन बक नहीं रहा था, बल्कि वो मुझे बलि का बकरा बनाने से बचा रहा था। चलो इसी बात पर सिंगल लौंडो, वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगा दो, कमेंट मत करना, मुझे पता है तुम सिंगल हो। तो ये जो 13 से 19 साल की लड़कियां होती हैं ये ऐसा ही करती हैं। ये कुछ दिन आपको देखेगी, फिर आपको देखना बंद कर देगी, मतलब पहले ये आपका मूड बना देगी, और जब आपका मूड बन जाएगा और जब आप इनसे बात करने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा लोगे तो फिर ये आपका मूड खराब कर देंगी। अब ये ऐसा क्यों करती है? तो भाई यही तो इनकी फितरत है। वैसे फितरत से याद आया, इस तरह की कांडी वीडियो बनाना मेरी फितरत है। दोस्तों तीसरी जो 13 से 19 साल की लड़कियों की सबसे गंदी हरकत होती है वो होती है ग्रुप में अकेले लड़के को देखकर छेड़ना। मतलब कि इन्होंने अकेला लड़का देखा नहीं कि उसे छेड़ने लग जाएंगी, उसे लाइन मारने लग जाएंगी, और जब वो उनके पास जाकर कुछ बोलेगा तो उससे बदतमीजी करने लग जाएंगी। मतलब क्या है यार ये, अगर तुम्हें सेट ही नहीं होना तो लड़के को इस तरह से अपसेट करने की क्या जरूरत है? वो बेचारा अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन तुम लड़कियां ग्रुप बनाकर पड़ी लकड़ी लेने लग जाती हो, और जब वो उससे अच्छी चीज देता है तो फिर एंड मौके पर रंग बदल लेती हो। गलत बात है ना ये, खेला तो खिलौनों से जाता है, हम थोड़ी ना खिलौने हैं। चौथी जो सबसे गंदी हरकत होती है वो होती है अपने आप को शरीफ दिखाना। वैसे तो ये लड़कियों की अच्छी हरकत है उनके हिसाब से, लेकिन हम लड़कों के हिसाब से तो अच्छी नहीं है ना, क्योंकि हम लड़के तो भावनाओं में बह जाते हैं और सचमुच लड़कियों को शरीफ ही समझ लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी शराफत का पर्दा उठाती है तब हमें उनकी असली शराफत के बारे में पता चलता है कि लड़की कितनी शरीफ है। ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही करती हैं क्योंकि ये उनकी गंदी आदत होती है, वो अपने आप को अपने घर वालों के सामने एकदम इनोसेंट दिखाती है, लेकिन जब वो अपने स्कूल में होती है या अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है तब हम उसकी हकीकत से परिचित होकर कुछ ऐसा अपरिचित वाला रूप धारण कर लेते हैं। अब इसे रोस्ट वीडियो कह लो या इस वीडियो को इस प्रकार से बनाने वाला जवान होस्ट कह लो, वो आपके ऊपर है। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट करो ना करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो को देखकर आपके दोस्तों का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।